गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन तंत्र, क्लास 12th, राजस्थान बोर्ड और CBSE NCERT दोनों का पैरेलल एक से ऐसा टॉपिक है। हम अभी तक फीमेल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्ट्रक्चर को हम समझ चुके हैं, किस प्रकार वो ऑर्गेनाइज होते हैं, और आज हम स्ट्रक्चर समझते हैं मुख्य जननांग जो फीमेल का पाया जाता है वो है ओवरी। यहाँ डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ओवरी की LS लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है ये ओवरी का। ओवरी की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, ओवरी मेनली उसके चारों ओर की लेयर जो होती है वो उसके अंदर जर्मिनल एपिथीलियम पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं जनन उपकला कोशिकाएँ। मेनली ओवरी जो है वो अंडाशय के द्वारा ओव का निर्माण होगा, तो उसकी जो जनन उपकला कोशिकाएँ हैं वो क्या करती है, बहुत अधिक संख्या में जनन उपकला कोशिकाओं के द्वारा ऊगोनिया सेल, या उसको हम बोलते हैं पूर्व ऊगोनिया सेल, या हम बोलते हैं उसको ऊगोनियल सेल या प्रीमोर्डियल फॉलिकल सेल, ये क्या होते हैं अभी समझते हैं इसको, ऊगोनिया सेल बनती है। अब ये ओवरी का डेवलपमेंट या ओवरी की संरचना के अंदर ओवम की जो फॉर्मेशन होती है मेल की तुलना में या नर जननांगों के वर्षण की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, जटिल संरचना होती है। यदि हम बात करें एक फीमेल की, फीमेल जब एम्ब्रियो स्टेज में होती है, मतलब कि ये भ्रूण अवस्था में ही एम्ब्रियो के अंदर जो होते हैं वो ओवरी में परिवर्तन स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं हम समझेंगे इसको। मेनली जब फीमेल जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, हमने उससे पहले वीडियो में समझा भी था किस प्रकार फीमेल के अंदर जो मुलेरियन ट्यूब्यूल है, मुलेरियन नलिका पाई जाती है जो क्या करती है विभिन्न जननांगों का विकास करती है, और आगे फिर उसके जो गोनेड्स होते हैं वो या जननांग जो होते हैं वो ओवरी में डेवलप होते हैं, और उससे फिर फेलोपियन ट्यूब ओविडक्ट वगैरह जो हैं वो उससे बनते हैं। तो इस तरह से ये फीमेल की जो ओवरी के अंदर होने वाले परिवर्तन हैं या उसके अंडाशय में होने वाले परिवर्तन जो हैं वो उसकी एम्ब्रियो स्टेज में ही हो जाते हैं। जो ऊगोनिया सेल है इसको हम बोलते हैं ऊगोनिया सेल, जो जर्मिनल एपिथेलियम या जनन उपकला कोशिकाएं लगातार विभाजन करती हैं, समसूत्री विभाजन या माइटोसिस, उसे हम बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन या समसूत्री विभाजन के द्वारा बहुत अधिक संख्या में क्या बनाती हैं वो ऊगोनिया सेल बनाती हैं। और उस एम्ब्रियो की स्टेज में जब फीमेल एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है उस समय उसके अंदर लगभग 800,000 जो ऊगोनिया जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और उसके अंदर ग्रोथ है वो जो उसकी स्टेजेस हैं वो मल्टीप्लीकेशन स्टेज होती है वो शुरू हो जाती है, गुणनखंड प्रावस्था शुरू हो जाती है, और वो लगातार फीमेल के एम्ब्रियो की स्टेज के अंदर ही अनेक ऊगोनियल सेल हैं वो डेवलप कर लेता है। और ये जब एक फीमेल चाइल्ड जब जन्म लेती है तो उसके अंदर लगभग 800,000 ऊगोनियल सेल जो होते हैं वो अपने आप को वहाँ पर अपने आवृद्धि करते हुए पाते हैं। जब ये फीमेल एम्ब्रियो अडल्ट होकर जन्म ले लेती है तो उसके बाद कोई भी जर्मिनल एपिथीलियम जो होती है वो नई ऊगोनियल सेल नहीं बनाती। मेल के अंदर स्पर्म की में क्या था, स्पर्म में भी जनन उपकला कोशिकाएं थी जो उसकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाई जाती जनन उपकला, वो लगातार जन्म प्यूबर्टी के बाद या यौवनारंभ के बाद क्या करती हैं वो शुक्राणुओं का निर्माण करती है, जनन उपकला कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती हैं। लेकिन फीमेल में ये स्ट्रक्चर जो होती है जनन उपकला कोशिकाएं भ्रूण अवस्था में एक्टिव होती हैं, और भ्रूण अवस्था में एम्ब्रियो स्टेज के अंदर अनेक ऊगोनिया सेल बनाकर वो फिर जो फीमेल चाइल्ड जब जन्म लेता है तो असंख्य 800,000 के करीब ऊगोनियल सेल जो होते हैं वो बन जाते हैं। ये ऊगोनियल सेल जो होते हैं जैसे ही वो फीमेल प्यूबर्टी की तरफ बढ़ती है तो उसमें से लगभग हाफ के करीब 8 से 20 लाख, इनकी संख्या एक्चुअल में 8 से 20 लाख है, 20 लाख के करीब जो संख्या होती है वो इसमें जो है वो बन सकती है। लेकिन लगभग जब ये फीमेल चाइल्ड जब प्यूबर्टी तक पहुंचती है तो उनमें उनकी संख्या रह जाती है 4 लाख, अंडाशय के अंदर क्या रहती है लगभग 4 लाख के करीब ही वहाँ पर जो ऊगोनियल सेल हैं वो
इस स्टेज में रहती हैं, मतलब कि ये कहें कि एक बच्ची के जन्म, एक फीमेल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद से लेकर ये ऊगोनिया सेल रेस्टिंग स्टेज में रहती है। कब तक? जब तक कि वो प्यूबर्टी को प्राप्त नहीं कर लेती। जैसे ही प्यूबर्टी प्राप्त करती है तो उसमें से कोई एक ऊगोनिया सेल जो होती है वो अपने आप को एक्टिव करती है, और एक्टिव करती है तो प्यूबर्टी के बाद से उसके अंदर जैसे मेनस्ट्रुअल साइकिल या जो रज चक्र स्टार्ट होता है तो उस साइकिल के बाद लगभग 15 ईयर की एज में, 15 साल की उम्र के बाद कोई एक ऊगोनिया सेल जो होगी, तो ऊगोनिया सेल होगी वो अपने आप को क्या करेगी, ओवम में परिवर्तित करने के लिए एक्टिव करेगी और उसके द्वारा एक ओवम डेवलप होगा और वो ओवम एक ही ऊगोनिया सेल डेवलप होगी। इस तरह से मेनस्ट्रुअल साइकिल के प्रारंभ को हम बोलते हैं मेनार्क। मेनस्ट्रुअल साइकिल के प्रारंभ को हम बोलते हैं मेनार्क, जो प्यूबर्टी से प्रारंभ होता है। उसके बाद ये ऊगोनिया सेल्स होगी वो एक को ऊगोनियल सेल्स होगी अपने आप को ओवम में डेवलप करने के लिए तैयार करेगी और मेनोपोज, मेनस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना वहाँ तक, मतलब कि ये 15 ईयर की एज में स्टार्ट होती है और 15 साल की उम्र में स्टार्ट होती है और 50 साल की उम्र तक ये मेनस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है। तो उसमें लगभग एक साल में लगभग प्रत्येक साल 12 ओवम ही डेवलप होते हैं। इसका मतलब एक फीमेल अपने पूरे लाइफ साइकिल में लगभग 450 या 450 के करीब ओवम ही डेवलप करती है, बाकी सब के सब क्या हो जाते हैं, 400,000 में से नष्ट हो जाते हैं। अब ये स्टेजेस का डेवलपमेंट कैसे होता है, किस प्रकार ये डेवलप होती है, हम उसको डिटेल में समझेंगे। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप अलग अलग स्टेज पे अलग अलग होता है। फर्टिलाइजेशन हो तो क्या चेंजेस हो, फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो क्या चेंजेस हो, ये सब एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। मेल या नर जननांगों में वर्षण के अंदर जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है वो बहुत ईजी तरीके से हो जाती है, वहाँ पर स्पर्म अपने आप वृद्धि प्रावस्था, उसमें गुणन प्रावस्था आ जाती है, फिर उसमें वृद्धि प्रावस्था आती है और उसके बाद परिपक्वन प्रावस्था जो होती है उसके द्वारा स्पर्मेटिड का निर्माण होता है और स्पर्मेटिड फिर मेच्योर स्पर्म में निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक स्टेज जो है वो एक पॉज का मतलब वहाँ पे एक विराम अवस्था लेकर आती है। प्रत्येक अलग अलग स्टेजेस पे इसकी विराम अवस्थाएं अलग अलग हैं, तो हम उसको डिटेल में समझेंगे क्या क्या उसमें चेंजेस है, तो वीडियो को पूरा देखें उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो फीमेल जो है वो जितने ऊगोनियल सेल लेकर आती है उस ऊगोनियल सेल में क्या परिवर्तन होता है प्यूबर्टी के बाद, तो पूरा ये साइकिल दिया गया है। ये जो साइकिल है ये पूरा का पूरा प्यूबर्टी के बाद है। तो पूरी ओवरी के अंदर पाई जाने वाली जर्मिनल एपिथेलियम की सेल क्या करती है, भ्रूण अवस्था में ही ऊगोनियल सेल को बना देती है, और ऊगोनियल सेल जब बन जाते हैं तो प्यूबर्टी के बाद वो ऊगोनियल सेल क्या होते हैं, अपने आप को मैच्योर करते हैं और ओवम की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पूरा साइकिल है और लगभग एक पूरे लाइफ पीरियड के अंदर एक फीमेल लगभग इतने ही ओवम को निर्माण करती है। ऊगोनिया कोशिकाओं का जो फॉर्मेशन है, जो पूरी संरचना है, वो इस ओवरी के कॉर्टेक्स भाग में, बाहरी भाग में जो परिधीय भाग है वहाँ पर होता है। इसके बीच का भाग सेंट्रल पार्ट को हम बोलते हैं मेडुला या मध्यांश, जिसके अंदर संयोजी ऊतकों की, या आप ये कहें कि उसमें संवहनीय ऊतकों की, ये ऊपर ये संयोजी ऊतक हैं, ये संवहनीय ऊतक हैं, तो ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और ये संवहनीय ऊतकों का बना होता है, जिसमें शिरा और धमनी, जिसमें वेंस और आर्टरी की सप्लाई होती है। वेंस क्या करेगा, वो ब्लड को लेकर जाएगा और आर्टरी ब्लड को लेकर आएगा, तो इसके द्वारा फिर ये यहाँ से कॉर्टेक्स रीजन में क्या करती है, ये इनको ब्लड की सप्लाई मेडुला के द्वारा होती है, जो धमनी और शिराओं के द्वारा रक्त का वितरण करेगी। यहाँ भी धमनियों का वितरण होगा, शिराओं का वितरण होगा, तो अपने आप ये एक तरह से इसे बोलते हैं मेडुला। मेडुला के अंदर क्या पाई जाती है, ब्लड आर्टरीज और वेन का जाल पाया जाता है, जबकि कॉर्टेक्स भाग में पूरा उसका साइकिल जो है ऊगोनिया का वो अपने आप को डेवलप करता है। तो ये कुछ स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस जो हैं वो एक ऊगोनिया सेल जो बनी भ्रूण के अंदर, भ्रूण के बाद ऊगोनिया सेल का डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है। तो एक ऊगोनिया सेल जो होती है उसकी डिफरेंट स्टेजेस यहाँ दिखाई गई है और एक ओवरी के अंदर ही हमें स्टेजेस दिखाई देती है। ये एक
प्रोसेस के द्वारा या एक प्रक्रिया के द्वारा अपने आप को चेंज करती है। उसमें प्रोसेस क्या होगा, इसमें ओगोनिया सेल जो होती है वो अपने चारों ओर कुछ फॉलिकुलर सेल्स कणकीय कोशिकाएं बनाती हैं। ये कणकीय कोशिका क्या होती है ये समझ लेते हैं पहले। जैसे ओगोनियल सेल है, उस ओगोनियल सेल के अंदर ये न्यूक्लियस पाया जाता है, तो वहां पर उसके चारों ओर कुछ फैट लिपिड या फैट या वसा की परत होती है, वो उसके अंदर ग्रेनुलोसा सेल बनाती है, ग्रेनुलोसा सेल या कणिकीय कोशिका। वो कणिकीय कोशिकाएं जो होती है वो मेनली क्या होती हैं, ओवरी की जो सेल्स होती है उनको फैट की सप्लाई या वसा की सप्लाई जो होती है वो लीवर के थ्रू होती है। लीवर के अंदर जो वसा के कण हैं वो वसा के कण यहाँ पर ओवरी की सेल्स के द्वारा लिए जाते हैं, और ओवरी की कोशिकाएं उन्हें क्या करती है, पिनोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा ओवरी की जो सेल होती हैं वो उन फैट के कणों को या उन वसा के कणों को क्या करती है, वहाँ पर ग्रहण करती है, और वही वसा के कण जो होते हैं वो उस ओगोनिया सेल के चारों ओर जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो फिर एक स्ट्रक्चर बनाती है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पूर्व पुटिकीय कोशिकाएँ, जिसके अंदर एक अंड कोशिका है, जिसके अंदर एक एग सेल है, इसको हम बोलते हैं ओगोनियल सेल, इसको हम क्या बोलेंगे, ओगोनिया सेल। अंडकोशिका का नाम दिया जा सकता है लेकिन उसको ओगोनिया बोलते हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो चारों ओर ग्रेनुलेसा कोशिकाएं हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, और वो सभी से भी क्या होती हैं, उस अंडकोशिका की आधारित जिले के ऊपर आकर इकट्ठा हो जाती है, उसे हम पूर्व पुटी की कोशिकाएं या प्रीमोर्डियल सेल्स बोलते हैं। ये प्रीमोर्डियल सेल क्या करती है, अपने चारों ओर अनेक लेयर का निर्माण करती है, और उसमें से एक लेयर बनती है जोना पेल्यूसिडा। ये भी फैट का एक पार्टिकल होता है, वसा के कण जो होते हैं उसके चारों ओर बिखर कर जमा हो जाते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा लेयर जो होती है वो एग सेल के चारों ओर, या एग सेल अपने बोल सकते हैं, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये ओगोनियल सेल ही आगे जाकर एग सेल में बदलती है। तो यहाँ पर ओगोनियल सेल के चारों ओर जोना पेल्यूसिडा आवरण जमा हो जाता है, और उसके ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन आधारित झिल्ली होती है जिसके ऊपर ग्रेन्यूल्स कोशिकाएं जमा होना स्टार्ट हो जाती है, और इसे हम बोलते हैं प्राथमिक पुटी कोशिकाएं, प्राइमरी फॉलिकल सेल, प्राइमरी फॉलिकल सेल बोलते हैं, या प्राथमिक पुटी कोशिकाएं बोलते हैं। अब इन प्राथमिक पुटी कोशिकाओं के अंदर जो ग्रेनुलोसा कोशिकाएं हैं वो अपनी परतों का निर्माण बढ़ाती चली जाती है, क्योंकि लीवर के द्वारा जो फैट सेल होते हैं वो लगातार पिनोसाइटोसिस के द्वारा अपने चारों ओर आवरण का निर्माण करते हैं, जिसको ग्रेनुलोसा कोशिकाएं बोलते हैं, और ये क्या कहलाती है, प्राइमरी फॉलिकल सेल या प्राथमिक पुटी कोशिकाएं। प्राथमिक पुटिका कोशिकाएं जो होती है वो अपने चारों ओर ग्रेन्यूल्स की संख्या इस प्रकार से बढ़ा देती है, या अपने जो कणिकाओं की संख्या या वसा कणिकाओं की इस प्रकार से बढ़ाती चली जाती है कि वो फिर धीरे धीरे सेकेंडरी फॉलिकल सेल में बदलना शुरू हो जाती है। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल सेल। सेकेंडरी फॉलिकल सेल जो होती है वो फिर एग सेल को क्या होती है, उसके अंदर कुछ और नई लेयर बनती है, क्यों, जैसे जैसे वसा का जमाव इसके ऊपर बढ़ता चला जाएगा, पितक कणों की मात्रा इसके ऊपर बढ़ती चली जाएगी, इसको फॉलिकुलर सेल बोलते हैं, पितक सेल, उसमें प्रोटीन और वसा का जमाव होता है, तो ये पितक कोशिकाएं जो होती हैं लगातार उसके चारों ओर परतों की संख्या बढ़ा देगा, परतों की संख्या बढ़ा देगा तो वो धीरे धीरे फिर एक और लेयर, उसको हम थिक्का कोशिकाएं बोलते हैं, पूर्ववर्ती थिका कोशिकाएं, या पूर्ववर्ती थिका कोशिकाओं के ये क्या होते हैं, पूर्ववर्ती होते हैं, तो पूर्ववर्ती थिका कोशिकाएं बन जाएंगी, इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। ये क्या कहलाएगी, सेकेंडरी फॉलिकल कहलाएगी। सेकेंडरी फॉलिकल में फिर क्या होगा, ये ग्रेनुलोसा कोशिकाएं केंद्रक को थोड़ा सा क्या कर देती हैं, जो एग सेल का केंद्रक है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, उस न्यूक्लियस को जिसमें जन्म पेल्यूसिडा आवरण उसके अंदर पाया जाता है, उस केंद्र को थोड़ा साइड में धकेल देती है, और साइड में धकेल कर क्या बनाती है, वो उसे एक कैविटी बनाती है, और उस कैविटी का नाम दिया गया है एंट्रम। इम्पॉर्टेंट है ये एक तरह की क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल
और ग्राफियन फोलिकल के बीच का भाग है। यहाँ पर ये संरचना दिखाई दे रही है वो है होते हैं उसे ग्राफियन फोलिकल। ये सेकेंडरी और टर्सरी फोलिकल का जो मिक्स है वो दिखाई दे रहा है। तो ये संरचना यहाँ दिखाई देगी उसे हम क्या बोलते हैं एंट्रम। जो ग्रेन्यूल्स कोशिकाएँ हैं, जो पित्तक कोशिकाएँ बोलते हैं उसको हिंदी में, या पुटिके कोशिकाएँ बोलते हैं, वो पुटिके कोशिकाएँ क्या करती हैं केंद्रक को थोड़ा अंदर की तरफ घेर देगी और वहाँ पर एक कैविटी बना लेगी। उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं एंट्रम। तो ये एंट्रम यहाँ है और ये एंट्रम यहाँ है, उसे हम एंट्रम बोलते हैं। तो ये एक तरह से क्या करती हैं उसके चारों लेयर बनाती है। ये जोना पेलुसिडा आवरण है, ये एग सेल के चारों ओर की लेयर है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये ग्रेन्यूल्स कोशिकाएं हैं, ग्रेन्यूलसा कोशिकाएं हैं, ये एंट्रम है। और थिक्का जो पूर्ववर्ती थिक्का कोशिकाएं बनी वो अपनी फिर परतों को बढ़ाना शुरू कर देती है। तो एक लेयर थिक्का इंटरना अंदर की तरफ होगी, एक लेयर थिक्का एक्सटर्ना जो बाहर की तरफ होंगी, और वो फिर क्या करती हैं बाहर उसके चारों ओर उसकी संख्या को बढ़ाती चली जाती है और फिर ये अंत में बदलती है ग्राफियन फोलिकल में। ग्राफियन फोलिकल की स्ट्रक्चर को हम अलग से समझेंगे। ग्राफियन फोलिकल एक मैच्योर अंड कोशिका को अपने पास रखती है, एक्सल को अपने पास रखती है। उसका मैच्योरेशन कैसे होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, वो हम आगे अलग से वीडियो समझेंगे। अभी हम ओवरी में सीधे परिवर्तन क्या होते हैं वो समझते हैं कि एक ऊगोनिया सेल जो एम्ब्रियो की स्टेज में बनी, जो 800,000 की संख्या के साथ जब बच्ची जन्म लेती है या एक गर्ल चाइल्ड जन्म लेती है तो वो धीरे धीरे उसके अंदर ओगोनियल सेल जो होते हैं वो डिजेनरेट होते हैं। उसमें से कोई एक ओगोनियल सेल वो हम वीडियो शुरू में बता चुके हैं कि 800,000 से वो 400,000 रह जाते हैं प्यूबर्टी तक, और 400,000 में से फिर हर मंथ एक ओवम जो होता है वो जनरेट होता है। तो अपने पूरे जो पीरियड है जिसके अंदर 15 से लेकर 50 ईयर तक, 15 साल की उम्र से 50 साल की उम्र तक जो मेनार्च से मोनोपॉज तक चलता है, उस दौरान लगभग 450 के करीब ओगोनिया सेल क्या होते हैं ओवम में डेवलप होते हैं, बाकी नष्ट हो जाते हैं। 400,000 में से 450 से अधिक उसमें ओवम नहीं बन पाते, ओवम डेवलप नहीं होते। तो इस ग्राफियन फोलिकल की स्ट्रक्चर को हम अलग से समझेंगे। ये ग्राफियन फोलिकल जब अपने पास एक मैच्योर ओवम रखती है तो वो क्या करती है, ओवरी की जो धरातल जो सरफेस है वहाँ आ जाती है और ग्राफियन फोलिकल फट जाती है, जिसमें से ये ओसाइट या मैच्योर हम बोल सकते हैं सेकेंडरी ओसाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी ओसाइट या द्वितीयक अंड कोशिका इसको बोलते हैं, द्वितीयक अंड कोशिका। द्वितीयक अंड कोशिका के रूप में क्या होती है वो फिर उसको अंडाशय से बाहर धकेल दिया जाता है और अंडाशय के बाहर फिम्बरी झालर, अपने पिछले वीडियो में समझा था कि अंडाशय से जैसे ही जो अंड कोशिका है सेकेंडरी ओसाइट्स के रूप में आती है तो वो उसकी झालर जो फिम्बरी होती है वो उस अंडे को पकड़ लेती है और उसको फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में डाल देती है। तो अंड कोशिका से जो अंड कोशिका है जिसको हम सेकेंडरी ओसाइट बोलते हैं वो तो कहाँ आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में। और ये जो स्ट्रक्चर है ग्राफियन फोलिकल की, ग्राफियन कुटिका की कोशिका आगे जाकर अंडाशय में रहती है और फिर वो बदलती है कार्पस ल्यूटियम में। अब सेकेंडरी ओसाइट मैंने ये बताया था कहाँ आता है, ये फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब अंड वाहिनी में, ओविडक्ट बोलते हैं इसको। उसके अंदर तीन पार्ट थे, उसके अंदर इनफंडिबुलम, इस्थमस और वो स्ट्रक्चर जो थी वो पाई जाती थी जिसके अंदर ये क्या करता है फेलोपियन ट्यूब में, वहाँ पर एम्पुला, इनफंडिबुलम, इस्थमस। तो एम्पुला के अंदर आकर वो फर्टिलाइज होती है, फेलोपियन ट्यूब में उसका निषेचन होता है और निषेचन होकर वो आगे एम्ब्रियो में डेवलप करता है। अब यदि निषेचन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम जीवित रहती है। निषेचन यदि हो जाता है इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर सेकेंडरी ओसाइट का, तो ओवरी का कार्पस ल्यूटियम जीवित रहता है। यदि फेलोपियन ट्यूब में जो सेकेंडरी ओसाइट ओव्यूलेट हुई अंडोत्सर के द्वारा बाहर निकली तो निषेचन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है तो ये कार्पस ल्यूटियम बदल जाती है कार्पस एल्बिकंस में। कब, यदि निषेचन नहीं हो,
निषेचन नहीं होता है तो ये किसमें बदल जाती है, कार्पस एल्बिकन्स में, जो फिर डीजेनरेट होती जाती है और उसको फिर शरीर से बाहर, या फिर उसको हम बोल सकते हैं कि लाइसोसोम के द्वारा उसको पाचन कर लिया जाता है और उसको फिर डाइजेस्ट या अपशिष्ट पदार्थों के रूप में, रेसिडुअल बॉडी के रूप में, लाइसोसोम के द्वारा शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है, ओवरी की सेल से बाहर फेंक दिया जाता है और ओवरी से फिर वो शरीर से बाहर चला जाता है। निषेचन नहीं होता, निषेचन होने पर ये कार्पस ल्यूटियम जो होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो के डेवलप होने तक ये कार्पस ल्यूटियम अलग से अपना काम करती है, तो हम उसको अलग से पढ़ेंगे क्या काम करती है। तो ये क्या कब तक रहती है, ये निषेचन होने तब के बाद, निषेचन होने के बाद ये जीवित रहती है और निषेचन होने के बाद ये लगातार जीवित रहती है। निषेचन नहीं हो तो कार्पस ल्यूटियम किसमें बदल जाती है, कार्पस एल्बिकन्स में बदल जाती है और कार्पस एल्बिकन्स को लाइसोसोम के द्वारा पाचन कर लिया जाता है। तो ये ग्राफियन फॉलिकल की स्ट्रक्चर हम अलग से समझेंगे, ये डेवलपमेंट कैसे होता है हम उसको गैमेट फॉर्मेशन में समझेंगे। अभी हमने जो समझा वो एक ओवरी में एक नॉर्मल प्रोसेस कैसे होता है, किस प्रकार एक ओगोनियल सेल जो होती है वो ऊ साइट में बदलती है, ऊ साइट में बदलने के लिए उसमें कहाँ कहाँ क्या परिवर्तन होते हैं वो देखा हमने, उसमें उसके चारों ओर फूट की कोशिकाएं बनती चली जाती हैं जो उसके चारों ओर लेयर बनाती है। ग्राफियन फॉलिकल की संरचना को हम अलग से समझेंगे, सेकेंडरी ऊ साइट ओगोनिया सेल से सेकेंडरी ऊ साइट कैसे बनता है वो हम अलग से डिटेल में समझेंगे क्या होता है उसके अंदर, सेकेंडरी ऊ साइट में क्या होता है। और बहुत ही ये इंटरेस्टिंग है, सेकेंडरी ऊ साइट तक आते आते इसको कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि वहाँ पर ये ओगोनिया सेल अपने डेवलपमेंट को या अपने परिवर्धन को या अपने जो प्रावस्थाएँ होती हैं इसके अंदर अलग, उनको हर बार क्या करना पड़ता है पॉज करना पड़ता है। वो हर बार उसके अंदर क्या आते हैं, कुछ बैरियर आते हैं, कुछ रुकावटें आती हैं कि वो वहाँ पर उस स्टेज को आगे डेवलप नहीं कर सकती। वो कौन कौन सी रुकावटें हैं हम उसको डिटेल में समझेंगे क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही है कि किस प्रकार एक ग्राफियन फॉलिकल की स्ट्रक्चर को बाद में समझेंगे, किस प्रकार एक ओगोनियन सेल अपने साइकिल को पूरा करके वापस जैसे ही कार्पस एल्बिकन्स बन जाती है तो फिर दूसरे मेनस्ट्रुअल साइकिल में को दूसरी ओगोनियन सेल जो होती हैं वो इस तरह से अपने आप को इसी साइकिल को दोबारा लेके चलती हैं। तो एक ओगोनियन सेल जो होती है वो लगभग 35 साल तक वेट करती है अपने नंबर आने का, मतलब कि किसका नंबर आता है वो नेचुरली ओवरी के साइकिल पर डिपेंड करता है, कौन सी ओगोनियल सेल को ओवा में बदलना है। एक बार में एक ही ओगोनियल सेल जो होती है वो अपने आप को मैच्योर करती है, लेकिन धीरे धीरे जो जो बीच में अपने साइकिल के द्वारा चलते हैं तो उसमें हर बार वो डीजनरेट भी होते रहते हैं। तो धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ इनकी संख्या ऑटोमेटिकली कम भी होती जाती है, लेकिन एक बार में एक ही ओगोनिया सेल जो होती है वो ओवम में डेवलप होती है और लगभग पूरे लाइफ साइकिल में 450 से ज़्यादा ओवम एक फीमेल डेवलप नहीं कर सकती। तो एक ये पूरा ओवरी का साइकिल है, इस ओवरी की साइकिल के अंदर हमने समझा किस प्रकार ओवरी अपने ओवम को डेवलप करती है। तो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके अंदर सेकेंडरी ओसाइट का डेवलपमेंट और ग्राफियन फॉलिकल की स्ट्रक्चर वो हम समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।